हाय एवरीवन, पुनी थरे आपण मानकु स्वागत करछि माइजॉब रे। स्टाफ सिलेक्शन कमिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तरफ रु नियुक्ति जोंतरे कॉम्बाइन ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2022 रे आपण आवेदन करि परिबे। एरो ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in जहाँ कि आपण विंडो सामने रे देखुछन्थि। तो नोटिस टी देखंथु, नोटिस ऑफ कॉम्बाइन ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2022 एठी क्लिक करे तार नोटिफिकेशन चेक करि परिबे आवेदन पूर्वरु। एबे एथिरे जो नियुक्ति रहिछि टेंटेटिव वैकेंसी रही 20,000 20,000 ऊर्ध्व नियुक्ति रही। आपण मैंने सब ओडिशारे जो कौन सी नियुक्ति बाहर आवेदन करती, किंतु आपण सेंट्रल लेवल जो नियुक्ति बाहर से आवेदन करूँ। एमती बहुत फ्रेंड्स मैंने आवेदन करती ना, नियुक्ति बहुत संख्यार रही है। और एपण मिनिमम योग्यता ग्रेजुएट रु एभव क्वालिफिकेशन आपण बैचलर डिग्री किंवा पीजी विभिन्न क्षेत्र में नियुक्ति रही है, जहाँकि मुझे वीडियो आपण देखेबी। आशा करूँ आपण मैंने मोर वीडियो को संपूर्ण देखिए। ये वीडियो आम केवल जो नोटिफिकेशन रही, नोटिफिकेशन एलिजिबिलिटी आवेदन केमिति करेंगे, एग्जाम प्रोसेस कौन रही, सिलेक्शन प्रोसेस कौन रही, ये संपूर्ण डिटेल्स चेक करवा। यार परवर्ती वीडियो आम सिलेबस और आपन केमिति ऑनलाइन आवेदन करेंगे तार प्रैक्टिकल देखेबी स्टेप बाय स्टेप। आम आज नोटिफिकेशन विषय ही डिस्कशन करवा। जो मैंने मो चैनल फर्स्ट टाइम देखुंत, वीडियो गोटे लाइक कर दिंतु, चैनल टी सब्सक्राइब कर दिंतु, तले दिखाई बेल आइकन को ऑल कर दिंतु, स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु, जहाँफल आपको आवेदन करिवारे कौन सी असुविधा हम ना। लिंक वीडियो तले डिस्क्रिप्शन देती से क्लिक कर आप चेक करें। ता सहित आप जो एथर ऑनलाइन आवेदन करेंगे, ऑनलाइन आवेदन यार लिंक ये लॉगिन यूजर नेम एवं पासवर्ड ताले एटी कैप्चा दे आप लॉगिन करी ऑनलाइन आवेदन करेंगे। एवं जदि नुआ भावे आवेदन करने चाहती तलर दे न्यू यूजर रजिस्टर नाम ये क्लिक कर आप रजिस्टर करी ऑनलाइन आवेदन करें। नोटिफिकेशन टी आम देखा, प्रथम रही तार डेट, जो इम्पोर्टेंट डेट रही डेट विषय डिस्कशन करवा। आम डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 17/9/2022 पाखु ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो सारी। लास्ट डेट हूँ 8/10/2022 अक्टोबर 8 तारीख यार लास्ट डेट अच्छी। तापर लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफलाइन चालान 8/10 रही। लास्ट डेट एंड टाइमिंग मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, ऑनलाइन फी पेमेंट आप 9/10 तक रही, अक्टोबर 9 पर्यंत। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रो चालान ड्यूरिंग वर्क आवर ऑफ बैंक 10/10/2022 रही। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट 12/10/2022 रु 13/10/2022 भितरे आपण एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट समस्त प्रोसेस पूरा होगा दरकार, जदि आपनकर एप्लीकेशन किसी त्रुटि रही। टेंटेटिव शेड्यूल टायर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन December 2022 रे हेबो, डेट तो डिक्लेयर हैनी, डिसेंबर मासरे जे कोनसी डेट रे एग्जाम हो। टेंटेटिव शेड्यूल फॉर टायर 2 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टू बी नोटिफाई लेटर, आपन को परे हा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आसीबा, आपन जानि परिबे टायर 2 जो टेस्ट हबो तार डेट। तापर डिटेल ऑफ पोस्ट रहिछि, पे लेवल 8 47,600 रु स्टार्ट हबो आपन को पे स्केल, 151,100 लास्ट रहिछि। पोस्ट असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, उत्तर मिनिस्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफिसर कार्ड रे इंडियन ऑडिट अकाउंट डिपार्टमेंट अंडर CNAG ग्रुप बी पदवी, पदवी नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर, बयस लिमिट रही 30 वर्ष रु अधिक हो न। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर एतमोडे इंडियन ऑडिट अकाउंटेंट डिपार्टमेंट अंडर CNAG ग्रुप बी गेजेटेड ऑफिसर रहिबे, नॉन एक्सीडिंग 30 वर्ष रु अधिक हो न आपनर बयस सीमा। तापर नेक्स्ट रही ग्रुप बी पदवी पई, पे लेवल 7 ने 44,900 रु 142,400 पे स्केल। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस जोटा ग्रुप बी पदवी 20-30 वर्ष भितर। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो ग्रुप बी नॉट एक्साइटिंग 30-30 वर्ष रु अधिक हो न। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ग्रुप बी जोटा 20-30 वर्ष भितर पे आवेदन करेंगे। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ग्रुप बी 20-30 वर्ष भितर आवेदन करेंगे। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर FHU ग्रुप बी 20-30 वर्ष बयस। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्रुप बी 30 वर्ष रु अधिक हो न।
असिस्टेंट एंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अदर मिनिस्टर्स अदर मिनिस्टर इज डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप बी पदवी रे 30 वर्ष रु अधिक होइ नथिबो वैशेषिक बा इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स सीबीडीटी ग्रुप सी पदवी जोथरे 30 वर्ष रु अधिक होइ नथिबो इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज सीबीआईसी ग्रुप बी पदवी रे नॉट एक्सीडिंग 30 इयर्स 30 रु अधिक होइ नथिबो इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर एवं इंस्पेक्टर एग्जामिनर सीबीआईसी ग्रुप बी पदवी समस्त वैशेषिक सीमा 30 रु अधिक होइ नथिबो नेक्स्ट होइ छि असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ग्रुप बी 30 वर्ष अप टू 30 वर्ष अधिक होइ नथिबो सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ग्रुप बी पदवी 20 रु 30 वर्ष वयस इंस्पेक्टर पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्रियल ऑफ कम्युनिकेशन ग्रुप बी पदवी जोथिरे नॉट एक्साइडिंग 30 वर्ष रु अधिक होइ नथिबो इंस्पेक्टर पई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ग्रुप बी पदवी जोथिरे नॉट एक्साइडिंग 30 इयर्स तपर पे लेवल सिक्स रे जो पोस्ट रही असिस्टेंट अदर मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप बी नॉट एक्साइडिंग 30 वर्ष रु अधिक होइ नथिबो डिविजनल अकाउंटेंट ऑफिस एंड आर सी एंड एजी ग्रुप बी पदवी 30 वर्ष रु अधिक होइ नथिबो सब इंस्पेक्टर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए तो ग्रुप बी पदवी पई 30 वर्ष रु अधिक होइ नथिबो सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो एमएचए ग्रुप बी पदवी रे 30 वर्ष रु अधिक होइ नथिबो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर मिनिस्ट्रियल ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप बी पदवी वयस 32 वर्ष रु अधिक होइ नथिबो तबे नेक्स्ट होइ छि पे लेवल 5 रे जो पोस्ट रहउ छि ऑडिटर ऑफिस अंडर सी एंड एजी ग्रुप सी पदवी 18 27 वर्ष ऑडिटर ऑफिस अंडर सीजीडीए ग्रुप सी 18 27 वर्ष ऑडिटर अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ग्रुप सी पदवी जोथरे 18 27 वर्ष अकाउंटेंट ऑफिस एंड अंडर सी एंड एजी ग्रुप सी पदवी 18 27 वर्ष अकाउंटेंट कलेक्टर ऑफ जनरल अकाउंटेंट ग्रुप सी पदवी रे वयस सीमा 18 27 वर्ष अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट अदर मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट रे जॉब रही जोथरे ग्रुप सी वयस 18 27 वर्ष तापर नेक्स्ट होइ छि पे लेवल 4 25500 रु 81100 पे स्केल होइ छि पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्रियल कम्युनिकेशन ग्रुप सी पदवी 18 27 वर्ष सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस मिनिस्ट्रियल अदर देन सीएससीएस ग्रुप सी वयस 18 27 वर्ष सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट मिलिटरी इंजीनियरिंग सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ग्रुप सी पदवी 18 27 वर्ष वयस नेक्स्ट रही टैक्स असिस्टेंट सीबीडीटी ग्रुप सी 18 27 वर्ष टैक्स असिस्टेंट सीबीआईसी ग्रुप सी 18 27 वर्ष वयस सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ग्रुप सी वयस 18 27 वर्ष अपर डिवीजन क्लर्क डीटी जेन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एमओडी ग्रुप सी वयस 18 27 वर्ष तपर वैकेंसी एंड ऑफ रिजर्वेशन रही टेंटेटिव वैकेंसी रही दे आर अप्रोक्स 20,000 20,000 अप्रोक्सीमेटली निजुक्ति रही विभिन्न पदवी रे आपन मानको पदवी मु जणई देली जोटे जे ग्रुप बी ग्रुप सी पदवी रे वयस सीमा जणई देली तपर रिक्वायरमेंट एज ऑफ वेरियस पोस्ट रे देजी एज लिमिट दे सारी एवं तार बर्न डेट भी देजी कोटू को भीतर जदी आपन बर्न डेट अछि तले आपण आवेदन करिपारिबे तापर एज रिलैक्सन रहिछि एज जो कोहल कराइछि एससी एसटी 5 वर्ष ओबीसी 3 वर्ष पीडब्ल्यूडी आ निजाबेड 10 वर्ष पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी कैंडिडेट 13 वर्ष पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी 15 वर्ष एक्स सर्विसमैन ईएसएम 3 वर्ष डिफेंस पर्सनल डिसेबिलिटी इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज 3 वर्ष एज कोहल रहिछि एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जोटे 8/10/2022 सुधा आपण जो क्वालिफिकेशन असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर पे बैचलर डिग्री डिजायरेबल क्वालिफिकेशन चार्टर्ड अकाउंट किंवा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट किंवा कंपनी सेक्रेटरी मास्टर इन कॉमर्स किंवा मास्टर इन बिजनेस स्टडी किंवा मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस किंवा मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स सबुथरे आपनको जदि एजुकेशन डिजायरेबल क्वालिफिकेशन अछि एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो बैचलर डिग्री
नेक्स्ट है जूनियर स्टाटिस्टिक ऑफिसर जो थे बैचलर डिग्री कर 60% आप मार्क थी कि बैचलर डिग्री एनी सब्जेक्ट विथ स्टाटिस्टिक एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल डिग्री लेवल ले स्टाटिस्टिक गोटे सब्जेक्ट थी कि जेकोसी बैचलर डिग्री आप 60% मार्क रखते आवेदन करेंगे। तापर ऑल अदर पोस्ट अन्यान्य जहाँ भी पोस्ट मुझे देखेली एथेर आपर क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट आप बैचलर डिग्री करते कि एबव करते समस्त पदवीपी आपदन करेंगे। आवेदन केमती करेंगे हाउ टू अप्लाई जहाँकि मुझे तार वेबसाइट दे SSC.NIC.in आउ थे आपको देखे ये जो वेबसाइट मुझे वीडियो फास्ट में जनईदी केमी आप आवेदन करेंगे तो यूजर नेम पासवर्ड दिए आवेदन करेंगे नुआ भाव में जी आवेदन करू यूजर रजिस्टर क्लिक कर नुआ भाव आवेदन करेंगे। तापर एप्लीकेशन फी रही जोटा कि 100 टंका ना महिला प्रार्थी एवं SC/ST पर्सनल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी सर्विसमैन ESM एम को कौन सी फी पेमेंट करने पड़े ना बाकी अन्य कैटेगरी जनरल OBC को 100 टंका पेमेंट करने पड़ पेमेंट फी हूँ भीम UPI नेट बैंकिंग भिसा मास्टर कार्ड क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड SBI चालान ये समस्त जरिए आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। ऑनलाइन पेमेंट जो करेंगे 9/10/2022 भितर ही आप पड़ो तर लास्ट डेट। तापर सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन ऑल इंडिया बेसिक रही तेज आम मुझको ओडिशार कौटी रही देखे दूसरी संपूर्ण ऑल इंडिया आप जेकोसी लोकेशन में रोचे तो आमर जो जोन आसूरी ईस्टर्न रीजन इयर जो थे ओडिशार रही ओडिशार कौटी कौटी रही देखिए आपको बालासोर ब्रह्मपुर भुवनेश्वर कटक राउरकेला संबलपुर तो ये छोटी जगार आम ओडिशा जो एग्जामिनेशन सेंटर रही मैंने यही सेंटर में चॉइस करी एग्जामिनेशन दे पारे। तापर स्कीम ऑफ टायर 1 एग्जामिनेशन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन 50 मार्क जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 मार्क इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 25 क्वेश्चन 50 मार्क तो ये आपंकर समय टोटल 100 क्वेश्चन मार्क 200 समय गोटे घंटा। तापर टायर 2 एग्जामिनेशन सेक्शन 1 मॉडल 1 मैथमेटिकल एबिलिटी 30 क्वेश्चन मॉडल 2 रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस टोटल 60 मार्क रही टोटल 60 क्वेश्चन रही 180 मार्क समय रोटे घंटा सीजन 1 आप सीजन 1 जोटा कि 2 घंटा 15 मिनिट समय सेक्शन 2 मॉडल 2 इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन 45 क्वेश्चन मॉडल 2 रे जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन तो 70 क्वेश्चन 210 मार्क तो ये समस्त हो गोटे घंटार आपको एग्जामिनेशन देवाई पड़ो। नेक्स्ट सेक्शन 3 मॉडल 1 कंप्यूटर नॉलेज मॉडल 20 क्वेश्चन 60 मार्क एवं सेक्शन 3 जोटा कि सीजन 2 रे आस 15 मिनिट समय मॉडल डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉडल 1 डाटा एंट्री टास्क पड़ो समस्त समय आप 15 मिनिट रहा। नेक्स्ट पेपर 2 रे आपंकर स्टाटिस्टिक रही स्टाटिस्टिक 100 क्वेश्चन 200 मार्क समय 2 घंटा रेपर 2 और पेपर 3 समय 2 घंटा जनरल स्टडी फाइनान्स एंड इकोनोमिक्स 100 क्वेश्चन 200 मार्क स्टाटिस्टिक एवं जनरल स्टडी फाइनान्स एंड इकोनोमिक्स टोटल समय आपंकर 2 घंटा रेपर 1 पेपर 2 पेपर 3। तापर आपन केमती आवेदन करिवे तार डिटेल्स मध्ये देछि स्टेप बाय स्टेप आपन केमती आवेदन करिवे ते वीडियो टी बहुत लंबा हे गनेनि परवर्ती वीडियो रे मु आपनकु प्रैक्टिकल आवेदन करिकि देखैबि जे कोनसी गोटे पदवी पई जादर आपन माने केमती आवेदन करिवे ता जानि परिवे। तो फ्रेंड्स आशा करछि वीडियो टी भल लागितो भल लागितले लाइक शेयर कर देबे धन्यवाद।